परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोगों, आज मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारे यहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से मिलकर मेरे खिलाफ शिकायत की है और साथ ही चर्च के खिलाफ शिकायत की है। आपको मालूम है हम लोगों ने 2 बीघा भूमि ली है, खरीदी है और उस पर एक छोटा सा परमेश्वर का भवन बनाया है, चर्च बनाया है और उस भूमि के लिए हम लोगों ने फाइल लगाई है। उस फाइल में जो एडियो प्रशासन है वो ढिलाई बरतते रहे और आज उसको पूरे 5 महीने हो गए फाइल को लगाए हुए। फिर हम लोगों ने एक रोष मार्च निकाला, आंदोलन किया, तकरीबन कलेक्टर के बाहर 2.5 घंटे 3 घंटे तक वहां पर प्रदर्शन चलता रहा। तो जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने हमें कहा कि आपके तो फैल का काम हो गया है और आज भी हम यही मानते हैं कि उसका काम हो गया है, हालांकि अभी तक हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। जो भी ऑर्डर है वो हमें नहीं मिला, लेकिन जिला कलेक्टर ने कहा कि वो हो गया है, आपका हो गया है, तो हम मानते हैं हो गया है। लेकिन जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है वो अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर जिला कलेक्टर से मिले और उन्होंने शिकायत की, ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर को कि ये गरीब और भोले भाले लोगों को बरगलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लंबे समय से करवाते आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया में ये चर्च बना रहे हैं और इसे रोका जाए, इनके पास पैसा कहां से आया और धर्मस्थल का अवैध निर्माण किया गया है, जो चर्च बनाया है अवैध निर्माण किया गया है, जबकि दूसरे धर्मस्थान जो हैं सरकारी भूमि पर भी बने हुए हैं, कोई वो उसके लिए परमिशन नहीं लेते। हम लोगों ने हमारी जमीन पर बनाया है, खरीदी है हम लोगों ने जमीन और उस जमीन के लिए हम लोगों ने फाइल लगाई हुई है कमर्शियल होने के लिए उसको, और वो भी आज 5 महीने हो चुके हैं उस बात को भी, पूरे 5 महीने। तो उसके लिए हम लोगों को इन्होंने फाइल भी लगा दिया था कि आपने निर्माण किया है, लगभग 2,30,000 हम लोगों ने फाइन भी भरा, टोटल यानी कि 3,07,000 के आसपास, 3,06,000 और 7,000 के बीच में 7,000 के आसपास हम लोगों ने फीस भी भर दी है। और कुछ भूमि जो थी हमारी आगे वाली ये इन्होंने सरकार के नाम समर्पण भी करवा ली और उसका कोई पैसा नहीं दिया हम लोगों को, फ्री में समर्पण करवा ली। अब बात जो है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी की बात है। देखो हम लोग तो सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को हम लोग एक ही जैसा मानते हैं, हमारे लिए सब एक हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, आपको मालूम है यहाँ राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, तो जानबूझकर इसको एक धर्म का मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को उछालने के लिए ये आंदोलन की चेतावनी देकर आए, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपको मैं एक बात और याद करा दूं, मेरे पास फाइल है, इसमें इनकी वो लिस्ट भी है। पिछली बार जब चुनाव थे तो उस समय भी इन्होंने क्या किया था, उस समय भी इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की थी, जब चुनाव होने वाले थे तो चुनाव से पहले मेरे खिलाफ शिकायत की थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर की लेटर हेड है और इस पर यही लिखा था कि इन्होंने जो चर्च बनाया है, जो यहाँ वाला पहले वाला जो बड़ा चर्च है बनाया है, इसके पैसा कहाँ से आया और ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है
कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी चुनाव है और चुनाव में फिर ये क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ फिर ये ज्ञापन देने लगे, फिर कहने लगे कि ये इनकी इंक्वायरी हो, इनका ये हो, इनका ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो ना? और मतलब कि एक छोटा सा भवन 3 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा बनाया, हमारी जमीन पर बनाया है, ठीक है, और लगभग 10 फुट ऊंचा है ना? तो हमारी जमीन पर बनाया हुआ है, उसके विरोध में ये कि ये बॉर्डर एरिया है, हमारे चर्च से लगभग 30 किलोमीटर दूर हिंदमालकोट बॉर्डर है, और वहां रास्ते में पता नहीं कितने ही हैं धार्मिक स्थान है, दूसरे हैं। तो ये अखबार की फोटो है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, और ये शुक्रवार को 18 फरवरी को जो हैं ये कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया कि ये धर्मांतर रोको और ये सब, और हमारे खिलाफ जो है वो शिकायत की कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर ये चर्च ना बने। मूल मुद्दा क्या है, मूल बात ये है इन्हें कि वहां पर एक तो जो चर्च बन गया है किसी न किसी तरीके से चर्च को रोका जाए। इनमें एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ही उसका लेना चाह रहा हा, लेकिन खैर इस व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले शिकायत की थी हमारे खिलाफ, इसने शिकायत की थी कुछ दिन पहले की बात है, दिसंबर में शिकायत की थी, और इसमें लिखा था कि इन्होंने ये जो चर्च बनी है वहां पर इन्होंने बंकर बनाए हैं, बंकर जो सेना के बंकर होते हैं, आर्मी वाले बंकर जो बॉर्डर पे होते हैं, बंकर बनाए हैं और इन्होंने तहखाने बनाए हैं, ये शिकायत कर दी थी। बीएसएफ को शिकायत कर दी, प्रधानमंत्री जी को शिकायत कर दी, गृहमंत्री जी को शिकायत कर दी, यहां सब जगह पे शिकायत कर दी। वो पुलिस वाले भी आए वहां देखने के लिए और उन्होंने देखा वहां कोई बंकर नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, और तहसीलदार मैडम भी गई, उसने भी देखा वहां पर कोई बंकर नहीं है, पटवारी और गिरदावर वहां गए और वहां जा जाकर देख रहे हैं कोई बंकर नहीं है, कुछ शिकायत थी तो उनको लिखना पड़ा भी यहां कोई बंकर नहीं है। फिर बीएसएफ के अधिकारी आए, उन्होंने भी देखा भी यहां तो कोई बंकर नहीं है, कोई तहखाना नहीं बना हुआ। तो ये व्यक्ति वही है, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही भी ऐसे जो हैं लोग इन पर जिला प्रशासन भी ध्यान क्यों देता है। आपको जानकारी के लिए वैसे बता रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो जब पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने झूठी शिकायत दी थी बंकर बने हुए हैं और कोई बंकर नहीं था वहां पर, ठीक है, और फिर अब फिर ये शिकायत कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने क्रिश्चियनों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, मेरे खिलाफ शिकायत की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। बस मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं, ठीक है। आप प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हर बात में हमें विजय दे, और इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर हमारे संग हैं और परमेश्वर हमें विजय देंगे। आप प्रार्थना करते रहें हम लोगों के लिए, और कोई भी अपडेट होगी हम आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करें।